हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस क्लास में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कम पैसे में किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, यानी 10,000 से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरीके से 10,000 से स्टार्ट करके और आप लर्निंग करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम जो लेवल देते हैं आप उस लेवल पर किस तरीके से बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से आपको कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से शेयर लेने चाहिए और कैसे आप उनका रिस्क मैनेज करेंगे सिर्फ 10,000 की कैपिटल के साथ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने यहाँ शेयर में। जो भी हमने कल चार्ट पे शेयर दिया था तो उनमें जो भी पैटर्न बना है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम किस किस क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं और कैसे बाई करेंगे, क्या ऑर्डर लगाना रहेगा, किस तरीके से ऑर्डर लगाएंगे। तो ये हमने जीरोधा का अकाउंट में लॉगिन करके और आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने कल चार्ट दिया था आपको, ठीक है, शेयर दिया था, ये एशियन पेंट का चार्ट दिया था एक और RHIM का दिया था, उसमें कजारिया सेरामिक्स का भी था, वेरल पूल का भी चार्ट था और कोलपाल का चार्ट था। तो सारे के सारे चार्ट पॉजिटिव हैं, एक RHIM जो चार्ट था हमारा ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इनको बाइंग करके चल सकते हैं और क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। जब भी हम वीडियो बनाते हैं, जब भी हम अपने स्टॉक्स देते हैं, उसमें हम आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बताते हैं, तो उनको आप ध्यान से सुने और लिख लें एक बार कि हाँ इस जो भी ये शेयर है इस शेयर में हमारा कितना टारगेट है और कितना स्टॉप लॉस लगने वाला है। तो ये जितने हमने शेयर दिया था, आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो आप डिसाइड कर सकते हैं, या तो आप मिनिमम कम से कम 3 शेयर में आप जरूर अपना ट्रेडिंग करिएगा, यानी स्विंग ट्रेड रहेगा। और स्विंग ट्रेड में जैसे आज हमारा एशियन पेंट हमने बाई के लिए दिया था और उसमें ब्रेकआउट हो गया है, अभी भी अगर कोई बाई करना चाहता है तो किस तरीके से बाई करेगा, ऐसे जैसे ये मोबाइल में चलाओगे तो मोबाइल में बाइंग और सेलिंग का ऐसा ऑप्शन बन के आएगा, तो हम बाई पे क्लिक करेंगे। तो करेंगे क्या, इसमें आपको जो भी 10,000 में यानी एक या दो शेयर आएंगे केवल, हम 3 शेयर का ऐसा चुनाव करेंगे या जो 4 या 5 शेयर देते हैं उसमें भी आप एक एक शेयर या दो दो शेयर खरीद सकते हैं। तो उसमें इस तरीके की कोई विंडो खुल के आएगी आपके सामने। तो उसमें करना क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी रहेगी और ये वाला अगर आप पोर्शन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये पोर्शन, तो यहाँ पे देखेंगे ये इंट्राडे लिखा हुआ है MIS और यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म CNC। तो आपको यहाँ इंट्राडे में नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करके और आप यहाँ पे बाई का ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जब भी बाई करेंगे तो आज बाई कर लेंगे, यानी 2, 3, 4, 5 जितने दिन भी होल्ड करना चाहेंगे होल्ड कर पाएंगे। इंट्राडे में क्या होगा, आज ही ख़रीदा है तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा क्योंकि आपने मार्जिन लिया है। यहाँ पे मार्जिन लेके इंट्राडे होता है और यहाँ पे आपको पूरा पैसा देना पड़ता है लॉन्ग टर्म में, तो आप लॉन्ग टर्म का खरीदेंगे ताकि आप आराम से 2, 4, 10 दिन होल्ड कर पाएँ। तो एक या दो शेयर खरीदेंगे इसी तरीके से और उसके बाद हम लोग इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे, स्विंग ट्रेड हो जाएगा और आराम से ये आपको 1 से 2% या जैसे ये एशियन पेंट है इसमें 100 रुपये का टारगेट 150 का टारगेट मिलता है, तो एक शेयर पर आपको 100 रुपये 150 रुपये आराम से बन जाएगा। जैसे कजारिया सेरामिक से ये भी अच्छा काम करता है, चिप चलता है और व्हीरल पोल का भी एक अच्छा चार्ट है और ऐसे ही कोल पोल का हमने चार्ट दिया था, ये भी एक ज़बरदस्त मोमेंटम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे सब में एक या दो दो क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। अब हम लोग क्विक देख लेते हैं कि इनके किस तरीके से मोमेंटम हुआ है। तो हम 1 डे टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है, तो 1 डे में अगर हम देखते हैं एशियन पेंट का चार्ट, तो एशियन पेंट में देखेंगे कि अच्छी कैंडल बनी है, यहाँ से ये कैंडल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से अच्छी कैंडल बनी है, तो ये लो मारा है 2834 का और हाई मार के आए हैं 2882 का, तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और एशियन पेंट में। और कजारिया सेरामिक्स का अगर हम लोग चार्ट देख लेते हैं तो अभी भी वही है, अभी भी इसमें एक या दो शेयर इसी तरीके से 10,000 में क्वांटिटी हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं।
अगर आपके पास फंड ज़्यादा है, 1 लाख है, तो आप 1 लाख को इसी तरीके से डिवाइड करके और शेयर को बाई कर सकते हैं। ऐसे अगर हम ये चार्ट देखते हैं तो इसमें भी ब्रेकआउट आ गया है इसके ऊपर, और अच्छा एक मोमेंटम यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए और यहाँ पे बाइंग करके आप स्विंग ट्रेड करेंगे। इंट्राडे नहीं करना है शुरुआत में, इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी, चार्ट देखने की हैबिट बनेगी, और आप रिस्क मैनेज कर पाएंगे धीरे धीरे, और उथल पुथल नहीं होगा ज़्यादा। तो धीरे धीरे इस तरीके से आप मार्केट के प्रति आपकी समझ बढ़ती जाएगी, और इसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी लर्निंग में आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।